तो भाई लोग TNPL 2023 का जो मैच नंबर 14 है ना, इस मैच में नेलई रॉयल किंग्स के सामने होगा चेपॉक सुपर गिलीज। तो भाई लोग आज के मैच में कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जो सबसे ज़्यादा रन ठोकेंगे, कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो सबसे ज़्यादा विकेट निकालेंगे। सोचो अगर हमें इसका पता चल गया, अच्छा रन मारेगा और विकेट निकालेगा, तो फंटेसी क्रिकेट की जो विनिंग टीम है उसे बनाने में आसानी होगी ना। हाँ जी बिल्कुल आसानी होगी। तो फिकर नोट, आज की वीडियो में ना हम यही जानने वाले कौन मारेगा रन और कौन लेगा विकेट। और इसके अलावा मैं आपको ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम बना के दूंगा, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता। सलीम स्पार्टन की बात करें तो आई थिंक सलीम स्पार्टन बोलेगा भैया कोई भी चेंज ना करेंगे, सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे, अपने प्लेयर्स पे पूरा भरोसा है मुझे। और वहीं चेपॉक सुपर ग्रीज की बात करें तो जो इनके कप्तान हैं एन जगदीशन, वो भी बोलेंगे भैया पिछला मैच हारे जरूर है लेकिन दो जीत के बाद एक मैच हारे, तो इस टीम ने अगर दो मैच जीता है एक मैच हरा दिया तो भरोसा तो करना पड़ेगा ना अपने खिलाड़ियों पर, तो मैं भी कोई चेंज ना करूंगा, सेम प्लेइंग 11 के साथ आज के इस मैच में उतरेंगे। लेकिन अगर कोई चेंज होना होगा तो मैच स्टार्ट होने के 2 से 3 घंटे पहले जो फाइनल प्लेइंग 11 है ना वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और भैया बस प्लेइंग 11 थोड़ी ना मिलेगी, आपको इस मैच के ड्रीम 11 की विनिंग टीम मिलेगी, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन कहां पर, मेरे टेलीग्राम पे, तो जरूर ज्वाइन करें। बस एक चीज का ध्यान देना, फेक से बचना है क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पर जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो हमारे पास दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आ गई ना, अब जानते हैं कौन आज के मैच में चलेंगे, कौन हो जाएंगे फ्लो। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा पिच रिपोर्ट जान लेते हैं, क्योंकि पिच के बिहेवियर के बारे में जान लेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा यहाँ के मैदान पे कौन से गेंदबाज या कौन से बल्लेबाज बढ़िया रहेंगे। तो जो मैच है ना SCF क्रिकेट ग्राउंड सलेम में खेला जाएगा, तो जानते हैं यहाँ का पिच का बिहेवियर क्या होगा, कंडीशन क्या होगी आज की इस मैच के लिए। तो SCF क्रिकेट ग्राउंड सलेम में अभी तक TNPL के 9 मैच खेले गए जिसमें से टारगेट डिफेंड हुआ 5 मैच में और टारगेट चेज हुआ 4 मैच में। अगर हम यहाँ पे देखें तो चेज और डिफेंड की जो कहानी है वो तो बिल्कुल बराबरी की है। अब एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 149-149 रन, मतलब इस मैदान पे ज्यादा रन नहीं बनते, तो बल्लेबाजों को बहुत सोच समझ के अपनी टीम में रखना और गेंदबाजों को भी सोच समझ के रखना जो विकेट निकाले, आगे जानेंगे किसको रखना है किसको नहीं रखना। इस मैदान का जो हाईएस्ट स्कोर है फर्स्ट इनिंग का 177 जो कि लाइका कवई किंग्स के नाम पर है, लोएस्ट स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 73 ऑल आउट जो कि आईडीएम त्रिपुर तमीज हाम्स के नाम पर है। अगर हम यहाँ के मैदान पे हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें तो 140 रन जिसे चेपॉक सुपर ग्लीज ने नेलई रॉयल्स के सामने 2022 में किया था। लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बात करें तो 124 रन जिसे सलीम स्पार्टन ने डिंडीगुल ड्रैगन्स के सामने 2022 में किया था। भाई लोग इस मैदान का जो सरफेस है ना वो बिल्कुल ही ड्राई एंड हार्ड है, मतलब जब तक बॉल नया होता 3-4 ओवर तब तक बॉल बैट पे अच्छे से आता, लेकिन जैसे मैच आगे बढ़ता 4-5 ओवर होते हैं, बॉल पुराना होता, पिच यूज होता है, तो जो बॉल होता है ना काफी ज्यादा रुक कर बैट पे आता है, जो स्पिनर्स गेंदबाज है उनको काफी ज्यादा घुमाव भी मिलता है क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है ना वो स्लो भी हो जाती है, और जो तेज गेंदबाज ब्रेसन अच्छी करते हैं, नकल बॉल स्लोवर इस्तेमाल करते हैं, उनके भी सामने रन बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जो बॉल होती है ना काफी ज्यादा नीचे रहने लग जाती है, इसलिए यहाँ पे जो मैच होते हैं ना वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग या फिर मीडियम स्कोरिंग होते थे। ऐसे मैदान पे कौन से प्लेयर सबसे बढ़िया रहेंगे अपनी फंटेसी क्रिकेट के लिए, चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे श्री निरंजन की। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो एक आता मैच में बढ़िया पारी आती है तो एक दो मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। आखिरी के 8 मैच में 158 बनाए किसने, श्री निरंजन ने, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में लंबी पारी ना खेलेंगे लेकिन 30-35 रन बना के जाएंगे श्री निरंजन, तो इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। अरुण कार्तिक कप्तान की बात करते हैं, इनकी भी वही कहानी है, एक मैच में बढ़िया पारी खेलते तो एक मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। मुझे लगता है आज के मैच में ये भी लंबी पारी ना खेलेंगे लेकिन 30-35 की पारी ये भी खेल देंगे, कौन, अरुण कार्तिक। इसके अलावा विकेट कीपिंग करते हैं तो वहां से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, तो अरुण कार्तिक को भी ना हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। जितेश गुरुस्वामी की बात करना तो ये बढ़िया फॉर्म में खेल रहे हैं इस सीजन, आखिरी के 10 मैच में 211 बनाए, अभी तक जो 2-3 मैच खेले नेलई रॉयल किंग्स ने सब में लगभग रन बनाए, तो मुझे लगता है ये आज के मैच में बढ़िया पारी खेलेंगे, तो इनको अपनी टीम में रखना चाहिए। रखने के साथ साथ ना जितेश गुरुस्वामी को कैप्टन या वाइस कैप्टन करना चाहिए, तो इनको टीम में रखें और हो सके तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी करें। ऋतिक ईश्वरन की बात करें तो अभी तक बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, आते हैं जल्दी से पवेलियन लौट के चले जाते हैं, और मुझे लगता है जो इनकी खराब फॉर्म है ना आज भी जारी रहेगी, तो ऋतिक ईश्वरन से ना हमें आज के भी मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। सोनू यादव की बात करें तो काफी बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आखिरी के 4 मैच में या 3 मैच में 7 विकेट निकाले किसने, सोनू यादव ने। इसके अलावा बल्ले से रन भी बना रहे, कौन, सोनू यादव। तो मुझे लगता है आज के मैच में फिर से बल्ले अगेन दोनों जगह से बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, बल्ले से कुछ रन बनाएंगे 20-25-30 और एक आता 2 विकेट भी लेके जाएंगे, कौन, सोनू यादव। तो इनको अपनी टीम में रखें और हो सके तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करें, किसको, सोनू यादव को। एसजे अरुण कुमार की बात करें तो मुझे लगता है आज के मैच में कुछ
कुछ खास परफॉर्मेंस ना कर पाएंगे, आएंगे दो चार पांच रन बना के चले जाएंगे, गेंदबाजी करेंगे वहां से भी कुछ ना कर पाएंगे। तो एस जे अरुण कुमार से हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। लक्ष्मीचंद सूर्य प्रकाश की भी सेम कहानी होगी, ना तो गेंद से कुछ कर पाएंगे ना तो बल्ले से कुछ कर पाएंगे, ज्यादा पॉइंट्स आपको नहीं देंगे। तो लक्ष्मीचंद सूर्य प्रकाश से भी हमें आज के मैच में बच के रहना चाहिए। एम प्यामजी की बात करते हैं, एम प्यामजी अभी तक बढ़िया गेंदबाजी करी है और मुझे लगता है आज की भी मैच में बढ़िया गेंदबाजी करेंगे, दो तीन विकेट लेके जाएंगे, किफायती भी रहेंगे। तो एम प्याजमी को हमें अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण विघ्नेश की बात करते हैं, लक्ष्मी नारायण विघ्नेश भी मुझे लगता है एक आधा विकेट तो मिलेगा लेकिन थोड़ा सा महंगे साबित हो सकते हैं, तो लक्ष्मी नारायण विघ्नेश से भी हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। लक्ष्य जैन एस की बात करते हो, लक्ष्य जैन एस भी मुझे लगता है आज के मैच में थोड़ा सा महंगे होंगे, विकेट हो सकता है एक आधा मिल जाए लेकिन थोड़ा महंगे होंगे लक्ष्य जैन एस, तो आई थिंक इनसे भी ना हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए। संदीप वैरियर की बात करते अभी तक कुछ खास गेंदबाजी ना कर पाए, एक आधा मैच हटा दी जाए तो सभी मैचों में इनको विकेट भी ना मिलते, थोड़ा सा महंगे भी साबित होते। कौन? संदीप वैरियर। अगर महंगे साबित नहीं होते तो विकेट भी नहीं मिलता इनको, किसको? संदीप वैरियर को। तो मुझे लगता है आज की भी परफॉर्मेंस जो होगी इनकी ऐसी ही रहने वाली, तो इनसे भी ना हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। बाकी मोहन प्रसाद की बात करें तो मुझे लगता है आज के मैच में ना बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं, दो तीन विकेट निकालेंगे और किफायती भी रहेंगे। कौन? मोहन प्रसाद। तो इनको हमें अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। वहीं एन जगदीशन की बात करें तो अभी तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी है, आखिरी के 10 मैच में 236 बनाए जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन पिछले दो तीन मैच में इनके बल्ले से रन निकले हैं और साथ में विकेट कीपिंग करते हैं, तो यहां से भी आपको पॉइंट्स देंगे। तो एन जगदीशन को हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए और हो सके तो इनको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करना चाहिए। किसको? एन जगदीशन को। संतोष शिव की बात करें तो अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, मुझे लगता है आज की भी मैच में आएंगे, बस जल्दी से पवेलियन लौट के चले जाएंगे। कौन? संतोष शिव। तो आई थिंक संतोष शिव से हमें आज के मैच में बच के रहना चाहिए। बाबा परजीत की बात करें तो ये बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, सिर्फ हम बल्ले से ना कह सकते। आखिरी के 5 मैच में 194 194 बनाए, सभी मैचों में अपनी टीम के लिए रन बनाने और जरूरत पड़ने में अपनी टीम के लिए बढ़िया गेंदबाजी भी करके देते हैं। तो मुझे लगता है आज के मैच में बल्ले से रन भी निकालेंगे। कौन? बाबा अपरजीत। और लंबी पारी खेलेंगे, 50-60 रन होगी और एकाता दो विकेट भी लेके जा सकते। तो बाबा अपरजीत को अपनी टीम में रखें और हो सके तो इनको भी कैप्टन या वाइस कैप्टन करें। किसको? बाबा अपरजीत को। संजय यादव की बात करते, मुझे लगता है संजय यादव आज के मैच में ज्यादा लंबी पारी ना खेल पाएंगे लेकिन 30-35-40 रन बना के जाएंगे, तो संजय यादव को भी हमें अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। उथिरा स्वामी शशिदेव मुझे लगता है आज के मैच में कुछ खास ना कर पाएंगे, ना बल्ले से ना गेंद से, मतलब पॉइंट्स बढ़िया नहीं देंगे। तो उथिरा स्वामी शशिदेव से हमें आज के मैच में फैंटेसी क्रिकेट की टीम में थोड़ा सा बच के रहें। हरीश कुमार की बात करते, मुझे लगता है हरीश कुमार आज के मैच में ना आपको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके देंगे। हालांकि आखिरी के 10 मैच में 5 विकेट निकाले, ज्यादा विकेट ना मिला लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में एक आधा विकेट लेंगे और 25-30-35 रनों की पारी खेल सकते। कौन? हरीश कुमार। तो हरीश कुमार को हमें अपनी टीम में रखना चाहिए, अगर दो तीन टीम बना रहे थे एक आधा टीम में हरीश कुमार को कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते। मुझे लगता है बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देंगे हरीश कुमार आज के मैच में। रामालिंगम रोहित की बात करते, मुझे लगता है रामालिंगम रोहित आज के मैच में बढ़िया गेंदबाजी करते नजर आएंगे, किफायती होंगे, 1-2 या 3 विकेट लेकर जाएंगे। कौन? रामालिंगम रोहित। तो रामालिंगम रोहित को भी हमें आज के मैच में अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। रॉकी भास्कर की बात करते, इन्होंने पहले मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी थी, उसके बाद अगले 2 मैच में बढ़िया गेंदबाजी ना कर पाए और मुझे लगता है आज के भी मैच में जो रॉकी भास्कर होंगे ना बहुत अच्छी गेंदबाजी ना करेंगे, तो आई थिंक रॉकी भास्कर से हमें आज के मैच में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। राहिल शाह की बात करते, इन्होंने आखिरी के 4 मैच में 7 विकेट निकाले, सभी मैचों में ये 2-3 विकेट निकालते। कौन? राहिल शाह। इसके साथ किफायती भी होते हैं और मुझे लगता है अपनी परफॉर्मेंस को ना राहिल शाह कंटिन्यू करेंगे, आज के भी मैच में 2-3 विकेट लेके जाएंगे और किफायती भी होंगे, तो राहिल शाह को भी हमें अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। एम सिलेम्बरसन की बात करें तो अभी तक कुछ खास गेंदबाजी ना कर पाए, मुझे लगता है एक आधा विकेट तो इनको मिल जाएगा लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा महंगे भी साबित होंगे, तो एम सिलेम्बरसन से आज के मैच में हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। सेम लोकेश राज की भी कहानी, अभी तक बढ़िया गेंदबाजी ना कर पाए, स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लगता है आज की भी मैच में स्ट्रगल करेंगे, बढ़िया गेंदबाजी ना कर पाएंगे लोकेश राज, तो इनसे भी ना हमें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। प्रदोष पाल को ना चिपॉक सुपर ग्रीज एज ए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज करेगा, जिन्होंने अभी तक बढ़िया बल्लेबाजी करी है और मुझे लगता है ये आएंगे और 25-30 या 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल के जाएंगे प्रदोष पाल, तो प्रदोष पाल को हमें अपनी टीम में जगह देनी चाहिए। तो भाई लोग, हमने यहाँ पे ना सभी प्लेयर्स के बारे में जान लिया, किन की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है और कौन हो सकता है फ्लॉप। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में। बाकी आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हो तो भाई साहब इंतजार खत्म, ये रही मेरी टीम, ये जो मैंने टीम बनाई है ना बहुत ही एनालिसिस करने के बाद बनाई, होता क्या वो सारी एनालिसिस मैं ना वीडियो में भी कर सकता हूँ लेकिन वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, मैं थक जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? जबरदस्त टीम बनाना, जो कि मैंने दे दी। बाकी अगर आपको इस मैच की 2-3 टीम चाहिए वो भी विनिंग, तो करना क्या है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। मैच स्टार्ट होने के 20-25 मिनट पहले आपको इस मैच की ड्रीम 11 की विनिंग टीम मिलेगी, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 टीम। तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, बस एक चीज का ध्यान देना है, फेक से बचना है, क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही
नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया, इसलिए इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी, बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच के रिव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।